लगे आज का हम व्लॉग स्टार्ट। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है जी मंडे, पहला वर्किंग डे था पहला कॉलेज में। बड़ा ही बोरिंग डे गया है, तीन छुट्टियों के बाद कॉलेज गया ना, बड़ा ही बोरिंग गया था दिन आज। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लग तो उसके बाद जी कॉलेज आके मैं सोया ही नहीं, मोबाइल चलाया, खाने वगैरह खाया। तो अब अकेडमी का भी टाइम होने वाला है, इस टाइम टाइम हो रहे हैं 3:30, तो हमने जाना है अभी टाइम अकेडमी। अब चलते हैं अकेडमी, हो सकता है कोई हमें कंटेंट मिल जाए। मैं व्लॉग ये भी स्टार्ट नहीं करता कि कोई कंटेंट मिलेगा, क्या कंटेंट सोचूं। अपन व्लॉग स्टार्ट करता हूँ और व्लॉग के एंड में मुझे कोई ना कोई कंटेंट मिल ही जाता है। मैं नहीं मानता को अक्सर तो दोस्त सोचते हैं यार क्या कंटेंट बनाए, लोग बड़ी वीडियोज़ देख रहे होते हैं, कंटेंट अच्छा बना। भाई मैं ये देख के व्लॉग स्टार्ट नहीं करता, मोबाइल उठाया और शुरू हो गया, कुछ ना कुछ एंड में जाके मुझे कंटेंट मिल ही जाता है व्लॉग एंड में, वही थंबनेल बना देते हैं, बस बात खत्म हो जाती है जी। तो अब जाने लगे हैं अकेडमी, फिर अकेडमी से आके हैं, फिर हम अपना व्लॉग कंटिन्यू करेंगे या फिर रास्ते में कुछ व्लॉग बना लेंगे अपने को, क्या है ना। चलते हैं अब बाहर, ज़रा यहाँ से ज़्यादा खोलते हैं और अब चलते हैं बाहर। अब हम आए हैं कमर्शियल पार्क और यहाँ पर ज़रा घूमते शूमते हैं ना ज़रा। फिर उसके बाद मुझे वो स्टूडेंट फिर मिल गया थर्ड ईयर का, या इससे ज़रा इंटरव्यू लेते हैं दोबारा गेंद चल के। मैंने बताया था जो ब्लाइंड स्टूडेंट था वो यही वाले हैं ब्लाइंड स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम भाई। वो पहले मिले थे आपको, पहले भी आया था एक दफ़ा इंटरव्यू के लिए। जी बच्चे, हाँ जी, क्या चाल है आपका? अच्छा, आप कहाँ से बेसिकली? पहले मैं बेसिकली खानपुर से हूँ यानी। अच्छा, खानपुर के आप? हाँ जी। तो आपने मैट्रिक इंटर किस तरह कवर किया आपने, पेपर्स वगैरह? मैट्रिक इंटर इसी वेट मशीन से। नहीं मतलब पेपर्स किस तरह दिए आपने? राइटर के थ्रू। अच्छा, राइटर साथ रखते हैं? हाँ जी। अच्छा, अलाउ होता है वहाँ पर? हाँ जी, बोर्ड से अलाउ करवाना पड़ता है, होता तो नहीं है। अच्छा, ये भी सही है। चलें चलें, शुक्रिया। अभी मैं अकेडमी से वापस आया हूँ और आज का वैसे मेरा बेसिकली जो मेन टॉपिक था वो था कंटेंट मेकर। कि अक्सर व्लॉगर होते हैं वो कहते हैं कि आपने पहले से सोच के रखो कि आपने क्या कंटेंट बनाना है, क्या आपका मतलब पहले से सोचा हुआ हो ये बात, कि आपने पहले से आपकी बुक रेडी हो, कि आपने उसमें साफ लिखा हो। मेरे अक्सर फ्रेंड भी कुछ कहते हैं यार तेरा, मैं व्लॉगिंग स्टार्ट होने से पहले मैं 15-20 वीडियोज़ पहले बना के रखूँगा। मैंने कहा मैं कहता हूँ यार डेली व्लॉगिंग में तो बात ना हो। फिर दोस्त के कुछ दोस्त मुझे ये भी कहते हैं कि मतलब डेली व्लॉग ना कर, तेरे कंटेंट अच्छे नहीं है, तेरे व्यूज़ नहीं बढ़े। मैंने कहा वो तो है, व्यूज़ मेरे नहीं देखे जो पहले स्टार्टिंग मेरे व्यूज़ होते थे 40-50, अब उससे भी कम हो गए हैं। मतलब लोग शायद मे भी ना पसंद कर रहे मेरे व्लॉग, हो सकता है। तो अभी मैं तो इसलिए डेली व्लॉग कर रहा हूँ, जिस तरह मेरा कंटेंट चल रहा था वो डेली ही चल रहा है। तो उस वजह से कंटेंट के लिए अगर मैं देखा जाए, अगर डेली व्लॉगिंग करनी है अगर आपने, तो आप एक बस सेट कर लें कि डेली व्लॉगिंग करनी है, तो बस आपको थंबनेल सब कुछ खुद ही मिल जाता है। कि उसमें थंबनेल भी आपको मिल जाएगा, मतलब वीडियो के एंड में हर जितने भी व्लॉग्स बने हैं ना, तो उसमें मैंने सोचा नहीं होता कि मेरा कंटेंट आ सकता है। बस मैं मोबाइल उठाया, कैमरा उठाया और शुरू हो जाता हूँ, और वीडियो के एंड में मुझे कोई ना कोई कंटेंट मिल जाता है जो मैं थंबनेल के ऊपर लगा देता हूँ, बस यहाँ तक बात खत्म हो जाती है। और पहले से लिख के रख लेना और पहले से सब कुछ प्लान्ड होना, तो ये व्लॉगिंग में नहीं आता। फिर डेली व्लॉगिंग का फ़ायदा ये हो, डेली व्लॉगिंग होती है ये कि अपने मतलब डेली का काम दिखाएं कि आप डेली में ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब डेली में ये होता है। तो बेसिकली ये होता है। तो फिर आज के व्लॉग में ख़त्म करने लगा हूँ इधर ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।